हाय फ्रेंड्स, मैं बोल रहा हूँ एयर पैच हेयरविग आर्टिस्ट मास्टर सुनील। आज अपने सामने में एयर पैच बिठाने जा रहा हूँ। हमारे दोस्त आए वाले अंबड़ से, अंबड़ महाराष्ट्र जालना जिले से हमारे दोस्त आए वाले हैं शंकर भाई। इनको मैं आज हेयर ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला हूँ। ये देखो इनका इतना हेयर लॉस होने वाला है। हम इतनी जगह में इनको हेयर पैच बिठाने वाले हैं। ये देखो हेयर पैच बिठाने वाले हैं। ये ऐसा आपको भी बिठाना है तो मेरे सेंटर पे आइए। मेरा सेंटर औरंगाबाद महाराष्ट्र में मेरा सेंटर है, SNG हेयर रिप्लेसमेंट स्टूडियो औरंगाबाद नगर और प्रोजन मॉल के सामने मेरा नया आउटलेट चालू होने जा रहा है। उधर भी आइए, आपको हेयर पैच हेयर भी जो भी हेयर ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो मेरे सेंटर पे आके आप विजिट दे सकते हैं। बेहतरीन से बेहतरीन मेरे पास हेयर पैच है और हेयर ट्रांसफॉर्मेशन बॉलीवुड हॉलीवुड और टॉलीवुड ये तीनों भी इंडस्ट्री के मैं आपको जो सेलिब्रिटी का हेयर कट चाहिए वो सेलिब्रिटी का मैं हेयर कट करके दूंगा। और अभी मैं बिठाने जा रहा हूँ इनको सेकंड पार्ट में, किस तरह से बिठाया मैंने, किस तरीके से हेयर इनका हेयर कट किया आपको सबको दिखाऊंगा मैं सेकंड पार्ट में। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मेरा वीडियो एंड तक देखिए। जानते खाने का जाके आप लोग कपड़े धोना कहाँ बना था वही पहनने देंगे खाली जाने का सीधा। राइट अपर्ची
हाय फ्रेंड्स, मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि मैं सेकंड पार्ट बताऊंगा आपको कि मैंने हेयर ट्रांसफॉर्मेशन कैसा किया है सर का। हमारे सर अंबड़ से आए वाले है, जालने जिले से अंबड़ से आए वाले ये। इनको मैंने हेयर पैच बिठाया, ये देखो इस तरीके से हेयर पैच बिठाया है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि आप उन्हें हेयर पैच बिठाया है नहीं बिठाया, ये देखो एकदम सिल्की और शाइनिंग बाल है। आपको भी बिठाना है तो मेरे सेंटर पे आइए। मेरा सेंटर चिकलठाना औरंगाबाद में मेरा सेंटर है, SNG हेयर रिप्लेसमेंट स्टूडियो बोल के, और मेरा नाम है हेयर पैच हेयर विग आर्टिस्ट मास्टर संदीप नाइक। आपको अच्छी से अच्छी तरीके से मैं हेयर स्टाइल और लुक बना के दूंगा और हेयर ट्रांसफॉर्मेशन करके दूंगा। आप चाहे बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो या टॉलीवुड हो, कोई भी इंडस्ट्री के जितने भी सेलिब्रिटी है, उन लोगों के मुझे हेयर फोटो बताना और मेरे से हेयर कट कर लेना। नहीं तो तुम्हारे जो 20-22 के उम्र में बाल थे तो वैसा ही लुक मैं बना के दूंगा 35-36 में। आप आइए और मेरा सेंटर पे हेयर पैच हेयर विग बिठाइए और हमारे सर से फीडबैक लीजिए। सर कैसा लग रहा है आपको, हमारे प्रेक्षक को बताओ। बहुत बढ़िया लग रहा है, मैं को थोड़ा अच्छा लग रहा है। आप भी आइए, ये लिए इसके लिए एक बार आजमाइए, ये बहुत बढ़िया है। ये एक बार करके देखो, समझ में आया तो कंटिन्यू, नहीं समझ में आया तो आपको मालूम है आगे की बात। बस और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।